करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद का महामंथन है आज। राष्ट्रीय परिषद की बैठक है आज, तीसरा दिन है आज इस बैठक का। थोड़ी देर में तालकटोरा स्टेडियम में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद का महामंथन है आज। राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज तीसरा दिन है और बस थोड़ी ही देर में तालकटोरा स्टेडियम में इस बैठक की शुरुआत होगी। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। आपको यह भी जानकारी दे दें, इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना से तमाम आरजेडी के दिग्गज नेता राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। लगातार आरजेडी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और आज तीसरा दिन है। राजधानी दिल्ली में बैठक पिछले दो दिनों से चल रही है और आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में तालकटोरा स्टेडियम में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम आरजेडी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तीन दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं आरजेडी के तमाम बड़े नेता। और देखिए, आज तालकटोरा स्टेडियम में इस महामंथन की शुरुआत थोड़ी देर में हो जाएगी। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद का महामंथन है आज, सबकी निगाहें टिकी हुई है इस बैठक को लेकर। चूंकि देखिए, तीसरा दिन है और बेहद खास और अहम है आज का यह महामंथन। चूंकि कल और परसों भी आपने देखा किस तरीके से पिछले दो दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी ये बैठक महामंथन होने वाली है। तालकटोरा स्टेडियम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं इस बैठक को लेकर, किस तरीके की तैयारियां इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। इनके अलावा तमाम दिग्गज जो हैं आरजेडी के, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तालकटोरा स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये महामंथन होने वाला है आरजेडी की तरफ से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रोड मैप तैयार करना है 2024 के लिए। आरजेडी के सामने तमाम ऐसी बड़ी चुनौतियां इस वक्त है और इसलिए ये महामंथन बेहद अहम माना जा रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब देखिए, आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद का आज महामंथन है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, सबकी नजर बनी हुई है इस बैठक में। क्या कुछ खास हो सकता है, चूंकि पिछले दो दिनों से बैठकों का दौर आरजेडी की तरफ से लगातार जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस महामंथन को लेकर? बिल्कुल शिवानी, देखिए आज तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन रखा गया है और यहाँ पर सभी, मतलब पूरे भारत के अनेक राज्यों से जो आरजेडी के समर्थक है या लालू प्रसाद यादव को नेता मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आप जिस व्यक्ति से बात, तो देखिए, बैठकों का दौर आरजेडी की तरफ से जारी है। तीसरा दिन है, राजधानी दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा है। अमित चौधरी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए क्या कुछ अपडेट महामंथन को लेकर, कब से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है? देखिए, पूरे देश से जो लालू प्रसाद यादव को नेता मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि खुला अधिवेशन है आज और अब सिर्फ महज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का इंतजार हो रहा है। वो तीनों आएंगे और यहाँ पर जो खुला अधिवेशन का प्रस्ताव है, उस पर तमाम चीजों पर चर्चा होना शुरू हो जाएगा। अहम जो बात है कि कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से श्याम रजक को लेकर बयान दिया था, गाली गलौज की बात उन्होंने कही थी, उसके बाद श्याम रजक ब्याह निवास जाने के बाद बेहोश हो गए तो उन्हें आनंद थाने में हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन कहा जा रहा था कि वो अब नाराज हो गए हैं, लेकिन अभी इस बैठक में श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, दोनों आदमी साथ लेकर श्याम रजक को पहुंचे हैं और सभी लोग फिर से मंच पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इंतजार हो रहा है तेजस्वी यादव का और लालू प्रसाद यादव का, बस वो आएंगे और यहाँ जो अधिवेशन का दौर है, कार्यक्रम है, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी शिवानी, बिल्कुल। अभी देखिए, एकजुटता का संदेश तो लगातार आरजेडी की तरफ से दिया ही जा रहा है। ये बैठक बेहद अहम और खास इसलिए है क्योंकि इस बैठक में तमाम आरजेडी के दिग्गज शामिल होने वाले हैं। देखिए, जानकारी ये भी चाहेंगे, क्या इस महामंथन में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है?
बिल्कुल शिवानी, देखिए कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें ये चर्चा हुआ था, क्योंकि आज जिस प्रस्ताव को खुले में रखना है उस सभी प्रस्ताव पर वहाँ पर बातचीत हुई थी। तो मुख्य जो इसका एजेंडा है वो दिल्ली में रखने का यही रखा गया है कि 2024 को लेकर, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कैसे क्या रोड मैप होगा, कैसे हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में किया, उसी हिसाब से यहाँ भी किस तरीके से प्रोस्पेक्टस होगा, क्या कार्यकलाप होगा, पूरी तरीके से यहाँ पर आज जनता को बताया जाएगा, जो आरजेडी के समर्थक है उनको बजाबते बताया जाएगा किस हिसाब से हम लोग 2024 का तैयारी करेंगे, क्या रूपरेखा होगा, क्या एजेंडा होगा, सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा होगा। और पूरी तरीके से जोश जुनून लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भरेंगे जनता में, हम लोगों को 2024 की लड़ाई में और मजबूती से लड़ना है और क्या एजेंडा होगा, तमाम तरीके की बातें यहाँ खुला अधिवेशन में होगी। जी अमित, बिल्कुल, देखिए 2024 को लेकर तैयारियां तो साफ तौर पर नजर आ रही है, चूंकि राजधानी दिल्ली में जमावड़ा है आरजेडी के दिग्गजों का और ये बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में 2024 के रोड मैप के अलावा और कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर इस महामंथन में चर्चा संभव है? बिल्कुल देखिए शिवानी, कल जिस एजेंडाओं पे वहाँ पर चर्चा हुई थी एजेंडा पे, उसमें ये भी था कि देखिए लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि देखिए ये एक पार्टी का सरकार नहीं है, बिहार को लेकर उन्होंने कहा था, बिहार के संदर्भ में ये सात पार्टियों का गठबंधन की सरकार है, तो किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी नेता को मन छोटे करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का मुख्य और एक ही एजेंडा रहना चाहिए कि 2024 में सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे केंद्र से बेदखल करना है। इसीलिए कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता नाराज ना हो, मन छोटा ना करे, ये आरजेडी का प्रॉपर सरकार है, ये महागठबंधन का सरकार है, सात पार्टियों को मिलकर सरकार है। क्योंकि लगातार कुछ खबरें आ रही थी कुछ नेता कुछ कार्यकर्ता की नाराजगी को लेकर, उसको लेकर उन्होंने कहा सीधा और मुख्य एजेंडा है कि कैसे, पहला कि कैसे आरजेडी को और मजबूत किया जाए देश के अन्य राज्यों में भी, और उस मजबूती के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से और कैसे सभी विपक्षों को एक मंच पर लाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई, और कैसे बीजेपी को केंद्र से बेदखल किया जाए उस पर भी चर्चाएं हुई। तो सभी प्रकार के एजेंडा पर यहाँ पर बात हुई है और आज खुला अधिवेशन में जो लालू प्रसाद यादव के नेता मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और करीब 5000 की तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, उन्हें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे और बताएंगे कि जो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बीजेपी को यहाँ से बेदखल करना है, केंद्र की राजनीति से हटाना है, सांप्रदायिक शक्ति को कैसे हटाना है देश से, इस पर वो जोश भरेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी जी, ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।